मेरे हाँ साथ उनका बाल कांग्रेस भी काफी सांसद ज्यादा दीपेंद्र और ये हुड्डा सब कर उनसे रहे बात हैं। करते हैं। सर, आज किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? आज ऐतिहासिक दिन है और ये ऐतिहासिक जीत हुई है एक ऐतिहासिक आंदोलन की। आज आप हमारे चेहरे पे एक मुस्कान भी देखेंगे और हमारे आंख में पानी भी देखेंगे, नम आंखों के साथ मुस्कान, ये हमारा भाव है। क्योंकि बहुत कुर्बानियाँ किसान ने दी, बहुत अग्नि परीक्षाएं किसान ने दी आज का दिन देखने के लिए। कैसे आंदोलन की जीत, जो शांतिपूर्ण रहा, जो अनुशासित रहा, जबकि चौतरफा हमला इस आंदोलन पे बोला गया, एक ऐसा आंदोलन जो पूरी विश्व भर में चर्चित हुआ, आज उसने किसान की साख हमारे देश में और पूरे विश्व के अंदर स्थापित करने का काम किया। हम बारीकी से देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो आज लिखित रूप में जो सरकार ने बातें मानी हैं उनका क्रियान्वयन जल्द से जल्द करें। आप किसानों की बातें उठाते रहे हैं, एमएसपी का मुद्दा उठाया आपने, अब सरकार से आपकी तरफ से क्या मांग की जाएगी? आंदोलन खत्म हो गया, क्या और मांगे रखी जाएंगी? देखिए, एक ओर तो हम किसान को बधाई देते हैं और दूसरी तरफ सरकार को हम ये आगाज करते हैं कि सरकार जो आज सरकार ने मौखिक और लिखित रूप से कहा है, एमएसपी प्रणाली को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए एक प्रक्रिया समिति बने और एक समिति कानूनी एक मसौदा तैयार करे, एक कानून का उस पर प्रक्रिया आगे मामले का काम आरंभ हो। 700 जो परिवार, जो किसान जिन्होंने अपने किसी परिजन का की कुर्बानी जिनकी हुई है, जिन किसानों ने जान अपनी इस आंदोलन के अंदर कुर्बान करी, उनको कोई ना कोई मदद की जाए आर्थिक रूप से और रोज़गार की। और जो हज़ारों किसानों में मुकदमे बने हैं रोड रोड ब्लॉक का और इस तरह के मुकदमे, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। तो ये हम आशा और उम्मीद करते हैं सरकार इनको क्रियान्वित करेगी। तीनों बातों को हम बारीकी से इसको देखेंगे और ये भी हम मानते हैं कि आज एक बहुत बड़ा सबक इस सरकार ने लिया होगा कि किसान एक ऐसा वर्ग है कि इस वर्ग के साथ टकराने का किसी को लाभ नहीं, ना देश को, ना प्रदेश को, ना सरकार को, ना किसान को। बहुत एक साल में खामियाजा सबने भुगता इस सरकार की जिद का, आज सबसे ज़्यादा सरकार ने भुगता, उनका लॉस ऑफ फेस हुआ, उनकी कहीं ना कहीं गरिमा और साख गिरी लोगों में, लोकप्रियता का ग्राफ उनका बहुत ज़्यादा गिरा, तो नुकसान हुआ है। तो सरकार ये सबक लेगी आज और सबक लिया होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। बीजेपी ये कह रही है कि क्योंकि बीजेपी की दूरदर्शी नीति रही है, उसको देखते हुए ये कानून वापस लिया है, और कांग्रेस जो है इसी तरीके के आरोप लगाती रहेगी, हालांकि जो किसान हैं अब वो लौट कर जा रहे हैं। बीजेपी की दूरदर्शी नीति की वजह से ये कानून लाए गए थे और बीजेपी की ही दूरदर्शी नीति की वजह से ये कानून वापस लिए गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को दूरदर्शिता में एक बड़े नंबर वाले चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी, प्लस की भी और माइनस की भी, एक आँख में प्लस की, एक आँख में माइनस की, क्योंकि दोनों बातें तो सत्य नहीं हो सकती। किस लिए बीजेपी लाई थी वो बताए, मगर एक साल तक केवल अपनी जिद में बीजेपी ने इनको वापस नहीं लिया और आज देश के अंदर अपने गिरते ग्राफ को देखकर भाजपा ने इनको वापस लिया है, ये मैं समझता हूँ कि आज देशवासियों को पता है। एक अंतिम सवाल मेरा, आप कह रहे हैं बीजेपी का गिरता ग्राफ, तो क्या मानते हैं चुनाव में जो आंदोलन वापस हुआ है, इससे बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा ये? देखिए, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये सरकार बनाम किसान लड़ाई थी, इसमें कोई राजनीति की बात मैं नहीं लाना चाहता, मगर सरकार का निश्चित तौर से इसमें सरकार की साख गिरी है और सरकार को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रीत किरण, INS, दिल्ली।